हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सर्दियां शुरू हो चुकी और पकोड़े ना बने ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो हम मोट दाल से बनाएंगे। ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ छिलके वाली 600 ग्राम मोट दाल ली है। आप इसकी जगह धुली हुई दाल का यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे बाद में इसको चेक करेंगे, ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको हल्के हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, ताकि इसके छिलके आसानी से अलग हो जाए। अब इसके पानी को हम निकाल देंगे। हमने यहाँ छलनी लगाई है, ताकि छिलके अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, ताकि हम उसी पानी को बार बार यूज में ले सकें और ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। आप भी इसी तरह दाल को धोइएगा, ताकि पानी की बचत हो सके। क्योंकि दाल से छिलके अलग करने के लिए हमें बार बार पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से उसी पानी को बार बार यूज में लेके दाल को धोया है। आप भी इसे इसी तरह से धोइएगा, ताकि पानी की बचत कर सके। क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, इसलिए आप इसका जरूर ध्यान रखें। अब इसको हम साफ पानी से एक बार फिर से अच्छे से धो लेंगे और इसका अच्छे से पानी निकाल देंगे। हमने यहाँ दाल को अच्छे से धो लिया है। अब दाल को मिक्सी जार में डालकर इसको पीस लेंगे। आप इसको सिलवट्टे के ऊपर भी पीस सकते हैं। हमने यहाँ दाल को हल्का दरदरा रखा है, ताकि हमारे पकोड़े और ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हों। अब दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 बड़ा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 बड़े कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक और लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हींग डालेंगे। हींग से पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप इसको ना स्किप करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब एक कटोरी लेंगे, उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा अच्छे से बांध लेंगे। आप रंगीन कपड़े का यूज ना लें, वरना उसका कलर उतर सकता है, और उसे अच्छे से गीला कर लेंगे, ताकि हमारे पकोड़े आसानी से उतर सके। अब इसके ऊपर थोड़ी सी दाल डालेंगे और इसको अच्छे से इसको पकोड़े का शेप दे देंगे और इसको आसानी से उतार लेंगे। जितनी बार पकोड़े बनाए, इसको अच्छे से गीला कर लें, ताकि हमारे पकोड़े आसानी से हर बार उतर सके, ताकि इसके चिपके हुए ना रहें। आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो, वरना आप इस तरह से इस पकोड़ों को बना सकते हैं। ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए और पकोड़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। गैस को लो टू मीडियम रखना है और इसको बीच बीच में उलट पुलट करते रहें, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से हल्के ब्राउन और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। मोट दाल के बड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे चैनल के बाकी वीडियो देखने के लिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें, या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप पकौड़ों को चटनी के साथ, सॉस के साथ या दही के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। लो जी, हमारे मोट दाल के बड़े बनकर तैयार हैं, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।